बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ टोयो रूम एयर कूलर का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है, इसका रिव्यू लेकर आया हूँ। इस रूम एयर कूलर को मैंने अपने लिए क्यों ख़रीदा और इसका मॉडल नंबर क्या है और इसकी प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगा। इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हमें मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं वन बाई वन। इसके अंदर जी सबसे पहले हमें 180 वाट हमारी जो है ये एनर्जी एफिशिएंट है, यूपीएस के ऊपर ये इजीली आप इसको रन कर सकते हैं और साथ वेरिएबल इसकी स्पीड है। आइस बकेट का ऑप्शन इसमें मिलता है, वाटर लेवल इंडिकेटर आपको इसमें मिलता है और इसमें इसको जो है वो मूव करने के लिए इसमें आपको 4 व्हील दिए गए हैं। ओवरऑल इसकी अगर मैं लुक की आपके साथ बात करूं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के इसमें आपको स्विंग के लिए, स्पीड के लिए और कूल के लिए आपको ये 3 मैनुअल बटन मिलते हैं। आइस बकेट के साथ जो है इसमें आपको जो है वो मिलती है और साथ इसमें जो है वो हवा को, एयर कूलर की हवा को जो ठंडा करने के लिए केमिकल्स की बोतल्स होती हैं वो मिलती हैं। वारंटी कार्ड की इसमें बात करूं इसकी वारंटी की तो 2 साल की इसमें आपको मोटर की वारंटी मिलती है और साथ इसमें आपको 1 ईयर की इसके जो है वो पार्ट्स, और इसके पार्ट्स में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो वारंटी कार्ड के ऊपर मेंशन है। ओवरऑल अगर इसके फ्रंट लुक की बात करूँ तो ये स्क्वेयर लुक में है, स्क्वेयर लुक में आप इसको देख सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वाइट और ब्लैक कलर का इसका कलर कम्बिनेशन है। वाटर लेवल की बात करूं तो 60 लीटर का इसमें आपको वाटर का जो है वो टैंक मिलता है और इसको मूव करने के लिए जो इसमें व्हील की क्वालिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें व्हील जो है वो दिए गए हैं। और इसकी अगर मैं आपको जो पैड्स हैं उसके बारे में बताऊं तो इसका जो पैड है जी वो 2 इंच का हनीकॉम पैड इसमें जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है वो इसमें पैड लगाया गया है। और इसकी वायर और स्विच की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो स्विच जो है वो ओवरऑल अच्छी क्वालिटी का इसमें आपको मिलता है, आप देख सकते हैं। और जो मुझे इसमें एक जो है वो खामी नज़र आई है वो ये है कि इसकी जो वायर की लेंथ है वो थोड़ी सी कम है आम एयर कूलर की निस्बत, इसमें आपको वायर थोड़ी मिलेगी। इसको ऑन करने पे जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है और ये देखें ये एयर कूलर ऑन हुआ है तो बिल्कुल भी इसकी जो है वो आवाज़ नहीं है, जैसे कि एयर कूलर की एक शोर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका इसमें आपको फ़ैन में शोर नहीं मिलेगा इस एयर कूलर में। और इसकी जो स्विंग वाला बटन ऑन किया है मैंने तो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी जो इंटरनल ग्रिल है जो राइट और लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आएगी मूव करते हुए वो इसमें मूवेबल है। जो फ्रंट के ऊपर जो ग्रिल है वो उसको आप मैनुअल हाथ के साथ एडजस्ट कर सकते हैं अपने रूम के हिसाब से, अपनी शॉप के हिसाब से या अपने लिविंग रूम के हिसाब से उसको आप फिट कर सकते हैं जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। ओवरऑल इसकी थ्रो भी जो है वो काफ़ी अच्छी एयर थ्रो है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी आवाज़ नहीं है इस रूम एयर कूलर की आम रूम एयर कूलर्स के अगर कंपैरिजन करें तो। स्लिम डिज़ाइन में है और ये इजीली मूव हो जाता है। बैक साइड पे इसके आपको पानी इसके अंदर जो है वो भरने के लिए ये एक जो है वो छोटी सी विंडो दी गई है, इस जहाँ से आप इसके अंदर पानी जो है वो डाल सकते हैं। और इसका पानी का जो लेवल है वो चेक करने के लिए और वाटर का जो फ्लो है जहाँ से पानी बाहर निकलेगा वो इसके बिल्कुल साइड पे जो है वो दिया गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर वाला जो है इसका कनेक्शन वो पानी जो है वो ड्रेन के लिए है और नीचे जो है ये इंडिकेटर इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो शीट लगाई गई है कि इस यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कि पानी कितना रह गया या पानी इसमें फुल हो गया है। 27,500 रुपये में ये रूम एयर कूलर आप ख़रीद कर एसी को भूल जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है ये रूम एयर कूलर अपने लिए क्यों परचेज़ किया। तो एक हॉल शॉप 16 से 17 फीट लंबी जो है वो एक शॉप थी जिसके अंदर मैं इंटर हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वहाँ पे ये एयर कूलर चल रहा था, ठीक है। तो मुझे इस तरह फील हो रहा था कि जैसे शॉप के अंदर जो है वो कोई हैवी किस्म का जो है वो एसी लगा हुआ है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये टोयो का 975 मॉडल नंबर है,
बिल्कुल लेटेस्ट ये मॉडल आया है, तो ये वाला एयर कूलर जो है ये चल रहा है, जिसकी वजह से ये मैंने अपने लिए जो है वो परचेज़ किया, और आप लोगों के लिए जो है ये इसका मैं रिव्यू अपने चैनल पे लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। जज़ाकअल्लाह।